Good morning, guys. Good morning once again. How are you doing? So sorry, we had a technical glitch. So we got stuck in a technical glitch. The screen was not loading. I hope you will understand. Good morning. How are you doing? पूरे 5 मिनट लेट है जिससे आप आई मीन जिसकी वजह से आपसे दिल से माफी मांगी जाती है. हमारी स्क्रीन अटक गई थी, ऑन नहीं हो रही थी, तो हमें पूरा सिस्टम शट डाउन करके दोबारा आपके सामने आना पड़ा. सो गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट दिवाली बिकॉज आवर टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रेट दिवाली. Right, everybody? So, good morning once again. Welcome to this phenomenal, super cool, super awesome, absolutely amazing session that we have brought only for you. So, please don't forget to click on the heart button, like, share, and subscribe to our amazing channel, my dear family members, my dear VBiotonic family members. So, chaliye aaj ki super awesome class on pedigree analysis start karte hain. Done? Yes? Done everybody, Menti is going to come very soon. पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेते, फिर Menti बाबा की जय करेंगे. Done everybody. चलिए, so pedigree analysis is a very important topic, very important. और ये मैं आपको इससे पहले बता दूं कि before we move any forward, कुछ दो या तीन बहुत important बातें मैं आपको बताने वाली हूँ. पहले आज शाम को हमारे पास एक बहुत ज़्यादा special guest है. इन स्पेशल गेस्ट ने ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स नीट जेई तीनों में निकाली है. नीट के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में और जेईई के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1. तो जो ये बोलेंगे या बोलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 2, मैंने एनसीईआरटी को ओपन किया और एनसीईआरटी से मैंने सेल्फ नोट्स बनाए, खुद नोट्स, खुद सेल्फ नोट्स. और कैसे नोट्स बनाने वाली हूं ये मैंने आपको बताया है. इज इट क्लियर? सेल्फ नोट्स, किसी और से नहीं, कुछ नहीं, मैंने सेल्फ नोट्स बनाए और आपको बताने वाली हूं. इज इट क्लियर? एक एक लाइन पढ़ के नोट्स कैसे बनते हैं, एक एक लाइन पढ़ के. सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट, ऑल इंडिया रैंक 1 एम्स, ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई. यू कैन नॉट मिस द पर्ल्स ऑफ विजडम. एंड एनसीईआरटी से सेल्फ नोट्स होगा कल 10:30 बजे. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी करो इसके साथ पूरी रिविजन स्ट्रैटेजी, पूरी की पूरी रिवाइज करने की स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी. राइट चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास ऑन पेडिग्री एनालिसिस. डोंट गो एनीवेयर प्लीज. ये दोनों टाइम्स अपने वॉच में लॉक कर लो. डन. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद पेडिग्री एनालिसिस. व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? मैंने एक चार्ट बनाया. एक डिजीज है, एक जेनेटिक डिजीज है, विच हैज जेनेटिक बेसिस. दैट मीन्स दिस डिजीज गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ जीन. सो इट्स अ जेनेटिक डिजीज और मैंने उसका एक चार्ट बना लिया. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ दिस डिजीज गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन इन द सिंपल क्लास. डन. कूल गाइस, कम ऑन माय डियर वी बायोटॉनिक फैमिली, लेट्स स्टार्ट दिस. राइट चलिए, सो let's move ahead with pedigree analysis. This is your favorite Vani ma'am, right? And thank you so much, because only because of you guys I've got these two trophies twice. Both the TCONs I've got awarded as the best teacher, TCON 2018, TCON 2019. So thank you so much for doing it. This is a super cool Telegram link. It is a very good group where we answer to your queries and where we answer to all your problems. So make sure that you join our Telegram link. And this is a very sweet, very small, very short VBiotonic family. So make sure you join our VBiotonic family by becoming a member, by liking, sharing, subscribing and hitting the bell icon. And with that, let's start today's chapter. You know genetics is very important, so there are 5 questions or a question har bar pedigree analysis mein se hota hai. Every year 1 question is on pedigree analysis. So let's start the pedigree chart. Look at this amazing photograph. So great grandmother, great grandfather, पढ़ पढ़ दादा पढ़ नानी, ग्रेट ग्रेट भी हो सकता है, करेक्ट. उनसे ग्रैंड मदर बनी दादी नानी, राइट. फिर उनसे अंकल, फादर, मदर, आंट, अंकल. तो इनकी कैसे कोई जीन इनसे इनसे ऐसे पास हो रही है इज नोन एज
पेडिग्री एनालिसिस. तो अगर मैं एक जीन को पूरे का पूरा ट्राई करूं तो जीन यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, पर इन्होंने तो आगे शादी नहीं की तो यहां पे तो स्टॉप हो गई जीन. इनकी शादी का चार्ट तो बना ही नहीं आगे. कैन यू सी दैट? इनकी शादी का तो चार्ट बना ही नहीं आगे. कैन यू सी दैट? राइट. पर ये है फादर, तो ये जीन ग्रैंड मदर से होती हुई ऐसे आई, यहां पे कहीं और से जीन आई. इज इट क्लियर? ये जीन फिर यहां से पास होती हुई यहां पे चली गई. मान लीजिए ये सोनम कटियार है, राइट, और ये किशन पांडे हैं. कैन यू इमेजिन? बॉय है तो किशन पांडे है. यस, इज इट क्लियर? सो जीन कैसे 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 पास हो रही है. पेडिग्री एनालिसिस मैं आपको अगले आधे घंटे में करवा दूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है कि पेडिग्री एनालिसिस की जो हम आज क्लास लेने वाले हैं उसमें 500% क्वेश्चन आने वाला है. सो अ पेडिग्री चार्ट शोज द रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली. एक फैमिली के अंदर रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं. जेनेटिक काउंसलर्स जो लोग जीन्स की स्टडी करते हैं वो लोग देखते हैं पेडिग्री चार्ट्स को टू इन्फर द जीनोटाइप्स ऑफ फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स की जीनोटाइप्स कैसे है. Is it clear? We find out through the pedigree analysis. Now look at this. A circle represents a female. A square represents a male. A horizontal line connecting a male and a female represents a marriage. Agar do horizontal lines hain, that means co-sanguineous marriages, which happens between closely related brothers and sisters. A shaded circle indicates that the person has the disease, right? That's a shaded circle. Correct. A circle or square that is not shaded indicates that a person does not express the trait. A vertical line and a horizontal line like a bracket connects the parents to the children. Analysis of traits in several of generations of a family is called as pedigree analysis. The British royal family suffers from hemophilia. So we did a pedigree analysis of the British royal family. The British royal family also has blonde hair. So these genes run in the family. Is it clear? In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait, वो चीज पास हो रही है या नहीं, इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जेनरेशंस. करेक्ट. चलिए, सो लेट्स सी द पेडिग्री चार्ट सिंबल्स प्लीज. मेल, कैन यू सी द सिंबल फॉर फीमेल. इफ यू डोंट नो द सेक्स, वी डोंट नो वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल, नहीं पता है. डन. अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेटिंग, अगर मैंने इनको ब्लैंक छोड़ दिया, अंदर से कलर नहीं किया, दैट मीन्स इट इज अनअफेक्टेड. ये सिंबल्स भी डायरेक्ट एमसीक्यूज में आते हैं. कोसैंग्विनस, सो मेनी टाइम्स क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में शादी हो जाती है, दूर के भाई बहन, राइट. इंडिया में ही कई जगहों पर द गर्ल इज ऑफन मैरिड टू हर मेटरनल अंकल, गर्ल इज ऑफन मैरिड टू हर कजन ब्रदर. सो इन मैरिजेस को को का मतलब है क्लोज, सैंग्वाइन का मतलब है ब्लड, लाइक वैम्पायर्स, राइट. सबने वैम्पायर पे मूवीज देखी हुई है. को सैंग्विनस, राइट. बहुत होता है ना ऐसा, सैंग्वाइन इज ब्लड. यस साकिर. सो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, वेरी क्लोज ब्लड रिलेटिव्स. देखो बेटा, हो सकता है एक फैमिली में कोई अनवांटेड जीन हो. मान लीजिए आर, तो ऐसे है और सिस्टर भी ऐसे है, दिख रहा है ब्रदर सिस्टर. ये स्मॉल आर अनवांटेड जीन है, हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड जीन है. बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक डोमिनेंट जीन है, दूसरी भी डोमिनेंट जीन है, तो वो अनवांटेड जीन दब गई है, पता नहीं चल रहा है, एग्जिबिट नहीं हो रही है. तो ये है, ये है, ये है, पर एक बच्चा ऐसा हो गया. तो इसीलिए जिनकी भी कोसैंग्विनस मैरिजेस होती हैं, उन लोगों में, जितनी भी कोसैंग्विनस मैरिजेस होती हैं, उन लोगों में कभी ना कभी कोई एबनॉर्मैलिटी नजर आती है. इज इट क्लियर?
राइट, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो. हमेशा पेरेंटल जनरेशन अबव होती है और फीलियल जनरेशन या ऑफस्प्रिंग जनरेशन बिलो होती है. इन लोगों में फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है. कोसैंग्विनस मैरिजेस पे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं. कैरियर फीमेल का यहां पे पता नहीं चल सकता है क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ डिजीज का पता चल सकता है. हम सोच सकते हैं एक चार्ट बनाकर कि हो सकता है ये कैरियर हो. इट इज लाइक अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वी कैन डू, बट एग्जैक्टली पता नहीं चलता है. पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीजेस, देखिए राइट एवरीबडी, मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज. आपको बच्चों ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम इतना पेडिग्री एनालिसिस नहीं करते हैं. कोई मुझे बता सकता है क्यों? पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज हमारे पास एमनियोसेंटेसिस है, आज हमारे पास जीनोम को स्टडी करने की और बहुत तरीके हैं. सो क्या आज भी पेडिग्री एनालिसिस उतना ही रेलेवेंट है जितना ये 100 साल पहले था? क्या आज भी पेडिग्री एनालिसिस उतना रेलेवेंट है? बताओ. आज हम पीसीआर कर सकते हैं, आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, आज हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, आज हम जीन्स की डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, आज कल हम यस वी कैन ट्रीट डिजीजेस लाइक एससीआईडी. सो कैरियर है या नहीं है ये हम 100 साल पहले पता लगाते थे बाय बाय पेडिग्री एनालिसिस. आपको लगता है अगर कोई बीमारी है आप बैठ के आजकल चार्ट बनाओगे? 21वीं सदी में आप बैठ के चार्ट बनाएंगे? टेल मी, विल यू स्टार्ट मेकिंग अ चार्ट? ओ देखते हैं, पता लगाते हैं, ऐसे करेंगे? ऑब्वियसली नो. या yes, will you start making charts? Obviously no, because we have much more advanced techniques to do it. Do we look at the moon and say, oh, when do I want to reach the moon? No, you can go to the moon and do space walking for heaven's sake, can't you? Yes, you can walk in the space nowadays. You're in the 21st century, my dear kids. I am in Bangalore. All of you are studying across the country, even the world. Do you have to sit in front of me? Thousands of students see our videos. My video on strategy is seen by 80,000 students. 80,000. So do I need to go to every person's house and do thak thak, chalo main strategy padhaun, thak thak, chalo main strategy padhaun, karna padega kya? No. Main YouTube mein ek video dalungi. Perfect. So pedigree analysis is something which was done 100 years ago. It's a lot of historical importance. It's important because we started studying genetics from there. But right now in the 21st century, I have a lot of more ways of trying to find out about genes other than only pedigree analysis. Right, everybody? Right? So if six people are unaffected, it is called as six. Sex is not known. It could be males and females. So can you see marriage, offspring? Again, marriage, offspring. Parents are always on top. Affected. It's not. And here it is affected. If it is X-linked inheritance, let me tell you. If it is X-linked inheritance, you will have males always dark or sufferers. X-linked mein. Because females are usually carriers. If it is autosomal dominant, every generation will be affected. Very important points I'm writing. If it is autosomal dominant, every generation is affected. Is it clear? If it is autosomal recessive, it might just skip generations. Right? So X-linked recessive ka pata kaise lagayenge? Menti quiz aane wala hai. X-linked ka pata kaise lagayenge? Bataiye mujhe. X-linked. X-linked mein males hamesha aapke dark honge aur females light honge because females carrier hoti hai. Autosomal dominant har generation mein aapko sufferer nazar aayega. To har level pe aapko sufferer nazar aayega. Aur autosomal recessive ho sakta hai parents unaffected nazar aaye but children mein aapko dikh jaye. Kyunki dono hi parents autosomal recessive ke carriers ho sakte hain. Correct, everybody. Done? Chaliye. So see, autosomal dominant. Very important. Kya aapko is generation mein sufferer nazar aa raha hai? Kya aapko is generation mein sufferer nazar aa raha hai? Kya aapko agli generation mein sufferer nazar aa raha hai? Kya aapko uski agli generation mein sufferer nazar aa raha hai? So is it present in every generation? 1, 2, 3, 4?
Is it present in all four generations? Come on. It's a very important clue to do MCQ questions. Direct MCQ questions will come from here. Tab mat bolna, we biotonic dekh lete to. Exam clear ho jata. Isliye we biotonic dekh lijiye aur exam clear kar lijiye. Both males and females are affected with equal frequency. Male equal to female. X-linked. Males more than females. Done. बाद में मत कहना दिवाली धमाका देख लेते तो एनसीईआरटी पढ़ना सीख लेते तो नोट्स बनाना सीख लेते देख लेना अभी के अभी अफेक्टेड चिल्ड्रन विल हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट इस पेरेंट को है इस पेरेंट को है इस पेरेंट को है दोनों पेरेंट्स को ना हो एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट होगा इज इट क्लियर Heterozygotes, ये अगर ये recessive disorder होता अगर recessive होता तो ये normal होता पर ये क्या है dominant तो जरूरी नहीं है ये हो ये भी affected होगा because ये dominant है it is not recessive it is dominant correct Two affected parents can produce unaffected. Very important, dekho. Dominant hai, dominant. Two affected parents. Dono ko hua hua hai? Can you see? Dono ko hai? AA? AA affected. 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 Par. Is it unaffected? Is it unaffected? Say yes ma'am, no ma'am. Is it unaffected? Come on your screens. Can you see this? So, dono affected parents ka unaffected offspring ho sakta hai. Yes, kuch bhi ho sakta hai. So, dono affected parents ka ek unaffected offspring ho sakta hai. Is that clear? Guys, chamak gaya. So, two affected parents ka ek unaffected bachcha ho sakta hai. This is very, very important. Done? Two unaffected parents will not have affected children. Chaliye, ye bhi kar lete hai. Anything is possible. Aapka All India Rank 1 bhi aa sakta hai. Right? Two unaffected parents. Ye dekhiye. Inka affected bachcha kahan se aa jayega? Nahi aa sakta. So two unaffected parents will not have affected children. We biotonic nahi dekhoge to seat nahi aayega. Yes, everybody. I'm just enjoying the super cool class with you. Are you enjoying today's class? It's good to have some josh. It's good to have some fun sometimes. Yes or no? Come on, guys. Yes. Why is your chat dismissed, Sana Rafi? Are you understanding everybody? So agar parents unaffected ho, to bachcha affect nahi ho sakta. Done? Yes, Unacademy bhi dekhiye bachcho. Jahan se seekhna hai, seekho yaar. Padhai karo bas. Yes. Jahan se seekhna hai, sab kuch dekh lo, sab kuch padh lo. Padhai karo aur seat le ao. Bas. Yes, sarve bhavantu sukhina. Sab ka bhala ho. Sab khush rahe. Aap bhi khush rahiye. Hum bhi khush rahiye. Aur sabse important hai ki aap padhai kijiye. Right? Is it clear? Chaliye. So, autosomal dominance inheritance. Ye diseases ke naam yaad rakhiye. In diseases se directly MCQ aate hain. Direct MCQ. So, Huntington disease is autosomal dominant. Myotonic dystrophy is autosomal dominant. Achondroplasia, jahan pe bachcha dwarf hota hai, cartilage nahi banta hai. Neurofibromatosis, hypercholesterolemia, cholesterol badh jana aur Marfan syndrome, jisme person bahut excessively tall ho jata hai. Ye sare ke sare autosomal infected diseases hai. Autosomal chromosome infect ho jata hai aur ye dominant hai. Please इनको याद रख लीजिए एकोंड्रोप्लेसिया एमसीक्यू में आया हुआ है हंटिंगटन्स डिजीज एमसीक्यू में एटलीस्ट 5 टाइम्स आया हुआ है ये दोनों आए हुए हैं बाकी एमसीक्यू में नहीं आए हैं पर फिर भी आ सकते हैं पॉलीडैक्टिली ज्यादा फिंगर्स हो जाना यस देखिए 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है 6 फिंगर्स हैं इनकी राइट एवरीबॉडी तो देखिए इस जनरेशन में इस जनरेशन में इस यस हर जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं देखिए इज इट क्लियर
और आपको दिख रहा है टू अफेक्टेड पेरेंट्स, ये देखिए इन दोनों पेरेंट्स को है, टू अफेक्टेड पेरेंट्स, बिकॉज स्मॉल पी मिल गया ना, सो टू अफेक्टेड पेरेंट्स का एक अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है. इज इट क्लियर? और टू अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स कैन नॉट हैव अफेक्टेड, अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड, लाइक इसको लिख दो नॉर्मल नॉर्मल, तो इसमें यहां पे एबनॉर्मैलिटी नहीं आ सकती. इज इट क्लियर? अब इसके बेसिस पे आपका पेडिग्री एनालिसिस मक्खन क्लियर होना चाहिए. आई कैन प्रॉमिस इट टू यू दैट यू विल डू वेरी वेल इन पेडिग्री एनालिसिस. चलिए कम ऑन, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये मेरा आपसे वादा है, प्लीज घर जाकर एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मक्खन क्लियर हो जाएगा. चलिए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल है फिर से, अनइक्वल किसमें होता है, अनइक्वल किसमें होता है, सिर्फ एक्स लिंक्ड में और किसी में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्स लिंक्ड में. आपको दिख रहा है इन दोनों को नहीं है पर इसको हो गया, इन दोनों को नहीं है पर इसको हो गया, दिख रहा है? तो ये कैसे हो सकता है? रिसेसिव, रिसेसिव मिल गया, समझ में आया? मोस्ट अफेक्ट, सारे अफेक्टेड बच्चे हैव अनअफेक्टेड पेरेंट्स. पेरेंट्स क्या है? कैरियर्स. किसको दे दिया? यस, ये अनअफेक्टेड है और इन्होंने जब ए और ए मिक्स कर दिया, देखिए स्मॉल ए मिक्स कर दिया, सुन रहे हो? राइट, सो टू अफेक्टेड पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो बच्चे देखो तीनों अफेक्टेड हो गए. राइट, अफेक्टेड हैं तो तीनों के तीनों अफेक्टेड हो गए. अनअफेक्टेड के भी बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं, अफेक्टेड के तो 100% अफेक्ट होंगे. लिख देती हूं एक बार दोबारा, अनअफेक्टेड बच्चे पेरेंट्स के भी अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, पर अफेक्टेड पेरेंट्स के तो 100% अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे. इज इट क्लियर? क्लोज रिलेटिव्स जो मेट करते हैं उनमें ये ज्यादा होने का चांस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था. ये देखिए ये खराब जीन है तो इनमें ये जीन मिल गई, क्लोज रिलेटिव्स में चांस ज्यादा होता है. डन एवरीबडी? Any doubts? Autosomal recessive. दिख रहा है आपको डिफरेंस? ईयर लोब अटैच्ड है, ये ईयर लोब फ्री है, देखिए अटैच्ड और फ्री ईयर लोब. इज इट क्लियर? टे सैक्स डिजीज प्रोटीन की डिजीज है. एल्बिनिज्म, जब बॉडी में पिगमेंट नहीं बनता, देर इज नो पिगमेंट इन द बॉडी, बॉडी में पिगमेंट नहीं बन रहा होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल एलनिन डीहाइड्रोक्सीजिनेज नाम की एंजाइम नहीं होती है. सिकल सेल एनीमिया, HBS, HBA इज नॉर्मल, ये कैरियर है. एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. चैट पॉसिबल नहीं हो रहा, क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा? चैट करके क्या करना है? आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. क्या हुआ चैट को? कुछ नहीं होता, हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? सुनाइए, आप तब से बोल रहे सुनिए ना, सुनाइए, बोलिए. चैट एरर हो रहा है, नो प्रॉब्लम, चैट डिसमिस हो रहा है, कोई बात नहीं, पढ़िए सुनिए, बताइए रत्ना. कुछ नहीं होता, थोड़ी देर बाद दोबारा कर दो, कुछ बात नहीं होती, डोंट वरी, पढ़ाई पे ध्यान दो. 300 लोग बैठे हो क्लास में, पढ़ाई पे ध्यान दो, डोंट वरी, ठीक है? थोड़ी देर के लिए चैट जाएगा, दोबारा चला जाएगा. इज देयर अ चैट एरर? कुछ नहीं हो रहा, फोकस करो क्लास में, चैट डिसमिस होती है, होने दो. आपने कोई नोबेल प्राइज जीतना है चैट पे? हाँ, आपको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है चैट पे, सीट मिल रही है आपको, एम्स की सीट मिल रही है, जो सबसे ज्यादा चैट करेगा उसको एम्स की सीट दी जाएगी आज. यस, अभी उसके गले में माला पहनाई जाएगी फूलों की, उसको स्पेशली गद्दी पे लेकर जाया जाएगा, एम्स में बिठाया जाएगा, ऐसा होगा? यस, एग्जाम नहीं देना उसको, सीधा मोदी जी घर आकर लेकर जाएंगे. चलिए, आपको स्पेशल सीट दी जाती है, आप वीट बायोटॉनिक पे बहुत ज्यादा चैट कर रहे थे, कुछ होने वाला है ऐसा? यस, बताइए, आप मुझे बताइए, होगा कुछ ऐसा? होगा, आएंगे स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर, आएंगे हर्षवर्धन जी, आएंगे हेल्थ मिनिस्टर, आपको एम्स में ले जाके डायरेक्टर की पोस्ट पे बिठाया जाएगा, नहीं होगा ना? तो क्लास में ध्यान दो यार बच्चों, पढ़ो चलो. यस, यहां पढ़ने आए, चैट करने आए हो,
रिश्ता पक्का करने आए हो कि एम्स में सीट लेने आए हो? बताओ क्या करोगे चैट करके? ठीक है, चलो आ जाओ। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं आ पा रहे हो तो कुछ नहीं होता, आप आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है ना, उसमें एक काम करिए, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिए तो आपको बता देंगे कि कैसे टेलीग्राम में कनेक्ट करना है, डोंट वरी। ठीक है, आंसर नहीं बता पा रहे लोग, कुछ नहीं होता, एक दिन आंसर थोड़ा कम दे दो, ध्यान दे दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएंगे। चलो आ जाओ, टेंशन ना लिया करो छोटी छोटी बातों की। सो ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है मैं आपको बताती हूं। HBS, HBA, ये नॉर्मल है, ये डिजीज है, ये रिसेसिव है। क्या है यहां? HBS रिसेसिव, इसीलिए ये नॉर्मल दिखाई देता है। अब आप इसका क्रॉस करो, HBS HBA इंटू HBS HBA, तो यहां एस एस सिकल सेल एनीमिया, ए नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, राइट एवरीबॉडी। तो आपको मैं यहां पे दो चार चीजें बताना चाहती हूं, पे अटेंशन करो तो समझ में आएंगी। जहां पे HBS और HBA है इसे कहते हैं कैरियर, HBA और HBA है इसे कहते हैं नॉर्मल, और HBSS सफरर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां बना के देती हूं, करिए सॉल्व। ये सफरर है, इसका आपने नॉर्मल से क्रॉस करवा दिया, तो सारे बच्चे क्या होंगे? AS, 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 मतलब कैरियर। अब आप दो कैरियर्स का क्रॉस करवा दीजिए, HBA, HBS into HBA, HBS कराइए, AA, AS, AS, SS, एक हो गया सफरर, दो हो गए कैरियर, एक हो गया नॉर्मल। इनपे बहुत MCQs में क्वेश्चन आते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे सैक्स डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया और एल्बिनिज्म, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव जीन्स है, ऑटोसोम्स पे होती हैं। चलिए, एक्स लिंक्ड, बीट कलर ब्लाइंडनेस, बीट हीमोफीलिया, इनकी जीन्स कहां होती हैं? एक्स पे। तो इसको मैं आपको अगर पेन स्लाइड पे समझाना चाहूं तो आप इसको प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है, तो इसके पास दो एक्स हैं, इसके पास सिर्फ एक ही एक्स है, मेल के पास सिर्फ एक है, तो अगर इस एक एक्स में डिजीज हो जाए तो बेचारा काम से गया, मतलब एक्स एच वाई ये एक्चुअली में रिसेसिव जीन है, पर क्योंकि ये वाई में दूसरी जीन है ही नहीं तो ये क्या करने लग जाएगी, अकेली एक जीन एग्जिबिट हो जाएगी और मेल करेगा सफर। अगर इधर आ जाओ, XH, XH, ये फीमेल करेगी सफर, पर फीमेल यूजुअली कैसी होती है? XH, X नॉर्मल, तो ये क्या कहलाती है? सिर्फ कैरियर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पहले ये बताओ, इज इट क्लियर? यस, तो ये एक्स लिंक्ड होता है, इसमें अगर जीन बना दो कैरियर तो। और एक चीज पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जीन्स वाई क्रोमोसोम पे होती हैं, किस पे? वाई, एक्स पे नहीं होती। जो जीन वाई क्रोमोसोम पे हैं उनको होलैंड्रिक जीन कहते हैं, कौन सी जीन? होलैंड्रिक जीन, मतलब हाइपर ट्राइकोसिस, कानों से बाल आना, कई लोगों के आप देखिए कानों से बाल आते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाइपर ट्राइकोसिस। डन? सो कैन यू सी, ये देखिए, ये देखिए एक्स पे है, जो जीन एक्स पे हो वो मदर से किस पे जाती है? सन पे, क्योंकि फादर सन को क्या दे रहा है? वाई।
Y. Father son ko kya deta hai? Y. Is it clear? So ye hoti hai X-linked inheritance. Fragile X syndrome, color blindness. Very important. Muscular dystrophy, जब आदमी weak हो जाता है, ये muscular dystrophy है, धीरे-धीरे muscles weak हो जाती हैं. Pattern baldness is related to sex-limited genes. बाद में बताऊंगी. Severe combined immunodeficiency, देखिए ADA वाली, ये भी X के पास है. Hemophilia की gene भी X के पास है. तो माँ तो बेटी को देगी ही, पर बेटी के पास दो X होते हैं. इसीलिए बेटी बच जाती है, पर माँ बेटे को देती है, क्योंकि father बेटे को Y देता है. Right, Duchenne muscular dystrophy, very, very important. Please, इसका snapshot खींच लीजिए, बहुत ज़्यादा important है. Done? Right, X-linked dominant. कुछ ऐसे भी होते हैं जो X पे हैं पर dominant हैं. Vitamin D resistant rickets. Vitamin D देने के बाद भी हो रहा है. Incontinentia pigmentia, a rare disorder that results in the death of the affected male. ये dominant हैं. तो ये मतलब एक भी आ गया, तो ये female भी suffer करेगी क्योंकि dominant है. Right, इसका मैं लिख लेती हूँ ऐसे prime. Dominant है और male को तो होगा ही. ये भी dominant है. So these are X-linked dominant disorder. Individual जिसको हो रहा है उसके parent में एक parent को तो पक्का ये होगा. More affected females, क्योंकि female के पास दो X होते हैं, किसी एक X में भी आ गया हो जाएगा. चलिए mental quiz करते हैं अभी. बहुत simple है. Yes. Faulty tooth, enamel नहीं बन रहा, outermost covering नहीं बन रही है और male की death हो जाती है. Is it clear? So should we do some quizzes? जल्दी से quiz करें, mentee start करें. Done? चल एक quiz करिए, mentee करते हैं हम. चलो चलो चलो. Dimples, बताइए. जल्दी बताइए. कम ऑन एवरीबडी ऑन योर स्क्रीन्स फास्ट. 5, 4, 3, 2, 1 एंड वी स्टार्ट. यस. कितने कितनी परसेंट को है, कितनी परसेंट को है, देखो आंसर. यस और नो. ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को है. इज इट क्लियर? थर्ड जनरेशन में मैक्सिमम लोगों को है. डन? राइट. और ड्यूचीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्स लिंक ट्रेट, तो ये कितना होगा देखिए. 100%. इज इट नॉट? इज इट नॉट? यस. तो एक काम करते हैं, मेंटी करते हैं जल्दी से. डोंट गो एनीवेयर, लेट्स स्टार्ट विद मेंटी. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. चलो जल्दी स्टार्ट मेंटी. कम ऑन मेंटी, में चैट नहीं करना है, डोंट वरी. लेट्स स्टार्ट मेंटी. कम ऑन, दैट्स द कोड 363051. Come on, Sonal Mishra, funny video, motivational video. Oh, nice, Sana. Come on, everybody. We're waiting for people to join. We're waiting for people to join. Good one, Alisha. Is it Rohan? Thank you so much. Come on, guys. It's a tough mentee. Don't get scared. Come on, join the mentee. It's a tough mentee. It's a tough mentee. So should I start? 5, 4, 3, 2, 1. And we start the quiz. Come on, guys. By the way, what are you gifting VBiotonic on Diwali? A family has 5 girls and no son. Probability of son as a 6th child. Thank you, Deepshika. Come on, guys, what are you gifting us for Diwali? So what is the probability on your screens? Saket, Khushi, Neha,
Devanshi. Hello, everybody. Come on. So there's a Jyoti call. There's a Jyoti call on our screen. Is it Kishan? Woohoo! Right? Every time 50% of the gametes are X and 50% of the gametes are Y. So it is exactly 50%. X and Y is exactly same. Yes? Don't do this mistake. X and Y is always the same. Come on. Gotcha? So we have new students. Carl Gustav, Hira Sheikh, Sakir Biswas, Sakshi, Sakshi, Zaiba, Kishan, Priya, Mahima, Swastik and Bell. So the bell has been able to ring the bell. And let's do one more question to see if the bell actually rings the bell again or not. So, come on, the chromosome responsible for the determination of sex are called as what? Paulani, it's your birthday, you must do it again now, come on. Chromosomes responsible for the determination of sex are called what? What are sex determination chromosomes called? So 5, a 4, 3, 2, 1, and you need to answer fast. Are they called allosomes? Are you sure they call allosomes? That's okay, Khushi. Maybe your speed was less. So you are still confused between the words. No. Sex chromosomes, that is XX or XY, are called allosomes, and all other 22 pairs. 23rd pair is called allosomes. All other pairs are called as autosomes. Autosomes, autosomes, autosomes. Come on. So Priya, Swastik, Kishan, Aman, Khushi, Mritika, Deepshika, Humaira, Rupa, Akshay. Aman with his plane has moved ahead. Khushi, good. Deepshika, see Khushi, you were complaining just now. No problem, Nanshi. Deepshika, Rupa, Mritika, Kishan, Priya, Humaira. Krishan is doing good today. Humaira, Akshay, Swastik, Mishra. Are you ready for one more mentee? One more mentee. Come on. On your screens. Decreasing length ke hisab se jab hum chromosomes lagate hain to usko kya bolte hain? Length ke hisab se. Very good question. Previous year AIIMS question, previous year NEET question. Come on. Length ke hisab se chromosome lagane ko kya bolte hain? लेंथ के हिसाब से क्रोमोसोम लगाने को क्या बोलते हैं? Come on guys, ideogram. You should know it, right? So the when we arrange the chromosomes from the longest to the shortest, that's called the ideogram. Very, 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 very important, right? When we talk about improving genetics, we call it eugenics. Pedigree is the study of how genes go from one to the other generation. When we talk about generation, it is pedigree. Is it clear? Is it clear? Sahi hai, samajh mein aaya? Yes, chale aage. Jab hum chromosomes ko arrange karte hai, usko ideogram kehte hai. Bohut important question hai. Come on, dekhte hai kaun aage ja raha hai. Mujhe lag raha hai Rupa top pe aa sakti hai. Dekha, Rupa, come on, the taco girl, very good, Aman, Kishan, yes, Mritika, Hemanandini, Rishika, Chanchal, Doraemon, Tuba, and Medha, very good, ma'am ne aaj tough kar diya, yes, Jwarish, you are right, chaliye, one more question. Sex-linked characters kaise pass hote hain, bataiye.
चलिए बताइए, नाइस जाइबा, सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं? हाउ डू दे गो फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर? हाउ डू दे पास? कम ऑन गाइस, सो यू हैव 10 सेकेंड्स, roughly 5 seconds now. So there's a 4, 3, come on, 2, on your screen, 1, and time is up. Woohoo! Good. X-linked recessive, sex-linked is X, not autosomes, no. It has to be only allosomes. Sex-linked, is autosome a sex chromosome? सिर्फ XX और XY sex determine करते हैं ना, allosome sex chromosomes हैं? नहीं, so it is only X chromosomes. इतनी गलतियां नहीं करनी है. Come on, let's see the leaderboard. Should I give you one more question? You want to do one more question? Kishan, nice Kishan. So Rupa, Hemanandini, Mritika, Doraemon, Medha, Kashi, Rishika, Supriya and Shinchan. अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक पर्सनल चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी है वो ये है. कम ऑन फास्ट ऑन योर स्क्रीन्स, आई एम आस्किंग समथिंग, बी क्विक विद योर आंसरिंग. इस आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, यू आर स्टडिंग फ्रॉम सो मेनी सोर्सेज, आप इतना कुछ पढ़ रहे हो बट आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो. आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जो पुराना बैकलॉग है वो बैकलॉग को क्लियर करके नए नोट्स कैसे बनाऊं. यस राइट, पुराना बैकलॉग, इज देयर टू मच ऑफ बैकलॉग प्रॉब्लम? यस कंटिन्यूअसली यू मेक. अच्छा बैकलॉग की प्रॉब्लम आ रही है? बैकलॉग की प्रॉब्लम आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बैकलॉग का प्रॉब्लम? बैकलॉग जो पिछला छूट गया है उसका क्या करें? How to clear backlog? Yes? Is it? Okay. So can I do a Diwali special class on how to avoid backlogs? Very important topic. How to clear backlog? Yes? Please write down in the comment section. Yes? Chaliye. Next question and the last one for today's class. Yes, no time is left now. Chaliye. Come on, Centimorgan, revision MCQs. Arrangement of genes bataiye. Come on, just about 10 seconds. So we have 5, 4, 3, 2, 1, time is up. Ooh, come on guys. You need to revise and come. Yes, B, A, C. A or B mein 9%. C and C is 17% from A. Aapne wo galti ki. C is 17% from A. And B and C is 26%. तो सबसे दूर B and 6 हो गया. पहले दो कोनों में B और 6 लगा दो. B, C. तो B और C के बीच में 26%. B और A के बीच में 9. और A और C के बीच में 17. Add करो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. खत्म. सबसे पहले दूर वाले लगाओ. B और C लगाओ दूर में. B और C के बीच में कितना है? 26. A और B. Yes, A बीच में लगाओ. A और B के बीच में 9%. A और C के बीच में 17%. फिर 44, 38, 29. देखो जरा. सबसे पहले दूर वाले लगाओ. This is the trick. B और C लगाओ. Come on guys, don't do mistakes. हमने कितने अच्छे से सेंटीमॉर्गन पढ़ा है. Right? No mistakes. So I think Rupa is going to go on top. Yay!
Rupa is the winner of the second leaderboard mentee for today. First winner is Paulani, the birthday girl, and second is Rupa, Doraemon, Ritika, Smriti, Lily, Shinchan, Priya, Kishan, Hemanandini, and Medha. Excellent. Done? Right, so with this, I'm going to take your leave and I'm going to meet you in the next class. Would that be fine? Kal ki class mein milte hain. Aaj sham ko 7 baje ki class mat bhuliyega. Aur kal Diwali special super episode aa raha hai. जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मक्खन क्लियर होंगे. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय.